हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो लास्ट सेशन में हमने सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट किया था, जहां पे बेसिक्स के बारे में बात किया था। एंड वहां पे मैंने बताया था कि सिग्नल एंड सिस्टम का सिलेबस क्या होता है एंड सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। दोनों को आप एक कंबाइन नहीं कर सकते कि सिग्नल और सिग्नल सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसके बारे में डिस्कस हम पिछले वाले सेशन में कर चुके थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके वॉच कर लो। तो वहां पे जो हमने बात की थी, तो सबसे पहले तो मैंने सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में डिफरेंस बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंड उसके बाद मैंने बात किया था कि अगर आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल गिवन है और उसके बाद आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, तो वो कंडीशंस भी हमने वहां पे बता दी थी। और उसके बाद मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होता है, इनका यूजेस कहां पे होता है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का यूज कहां पे होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का यूज कहां पे होता है। एंड इसके बाद मैंने बात की थी ऑपरेशंस की, कि आपको ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है। हमने जो कल बात की थी, ओनली जो टाइम एक्सिस होता है, ओनली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, उसी का हम क्या कर रहे थे, शिफ्टिंग कर रहे थे, उसी का स्केलिंग कर रहे थे, उसी का रिवर्सल कर रहे थे। ओके, तो वहां पे टाइम एक्सिस का ही किया था, कहीं पे मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में बात नहीं की कि आप एम्पलीट्यूड का वहां पे स्केलिंग कर रहे हो। ओके, दो सिग्नल को मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, दो सिग्नल को आप क्या कर रहे हो वहां पे एडिशन कर रहे हो, ऐसा कहीं पे बात नहीं किया। मैंने बोला था कि नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि वहां पे आपके पास एम्पलीट्यूड है, अगर उसको स्केल करना है तो कैसे करोगे। ओके, अगर उस दो सिग्नल गिवन है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे करोगे, एडिशन करना है तो कैसे करोगे, जो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। एक तो आपके पास सिग्नल एम्पलीट्यूड का स्केलिंग करेंगे और उनका दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और दो सिग्नल का आप एडिशन करके बताएंगे। ओके, एंड उसके बाद जो बात करेंगे वो यूनिटी स्टेप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इंपल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पैराबोलिक एंड रैंप के बारे में बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही होने वाला है। ओके, मतलब ये स्टैंडर्ड सिग्नल के बारे में हम जानने वाले हैं और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली सारी चीजें समझ में आए। ओके, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप सिग्नल एंड सिस्टम का मेरा सेशन वॉच कर रहे हो तो लास्ट तक मेरा ही वॉच करना। उससे क्या होगा कि अगर आप दूसरी जगह भी वॉच कर रहे हो, और यूट्यूब तो बहुत बड़ा है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कहीं पे भी अगर वॉच कर रहे हो तो आप वहीं से कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप दो तीन जगह पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने जाओगे तो आपका टाइम तो वेस्ट भी होगा, दूसरा चीज आपका कंसेप्ट कभी भी नहीं बन पाएगा। ओके, अगर मेरा वॉच कर रहे हो तो मेरा वॉच करो, अगर किसी और का वॉच कर रहे हो तो किसी दूसरे का वॉच करो। इसमें मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरा ही वॉच करो, जहां पे आपको लगता है कि यहां का कंटेंट अच्छा है तो वहां का आपको वॉच करना चाहिए। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं। वहीं पे हमारे को कोई भी क्वेश्चंस देना होता है, कुछ भी नोटिफिकेशन देना होता है तो टेलीग्राम चैनल पे ही हम एक्टिव रहते हैं। और आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप वहां पे पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई जब भी आपका मैसेज सीन करेंगे तो जरूर करेंगे। ओके, तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ओके, एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। ओके, कल जो बात किया था टाइम एक्सिस के बारे में बात किया था, तो ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। देखो आज जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो होगा एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ओके, अब देखो कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग, जैसे कि आपके पास ये फंक्शन है वाई ऑफ टी इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी। ओके, जो ये ए है ना, ये ए है ना मेरे भाई, ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को। कि आपके पास जो भी आपके पास सिग्नल होगा वो ए एम्पलीट्यूड से स्केल हो रहा है, ये स्केलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जब टाइम एक्सिस में था तो यहां पे मैं स्मॉल ए बता रहा था, कुछ भी बता सकते हो यार, 2, 3, 4 कुछ भी बता सकते हो, आपका नाम भी बता सकते हो। तो यहां पे अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था तो आप टाइम एक्सिस का क्या कर रहे थे, उसका स्केल कर रहे थे। अगर सिग्नल के बाहर मल्टीप्लीकेशन है तो उससे आप क्या करोगे कि ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। ओके, अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या होता है कि यहां पर इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, बट उसका जो शेप होगा, जो भी ग्राफ होगा उसका जो शेप होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो लिख सकते हो एम्पलीट्यूड चेंज बट सिग्नल शेप नॉट चेंज। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है एम्पलीट्यूड स्केलिंग के अंदर। अब देखो एम्पलीट्यूड स्केलिंग कैसे करते हैं, जैसे कि मैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास x ऑफ t इक्वल्स टू कॉस ऑफ
टू ओमेगा ऑफ टी, ओके, कॉस ऑफ टू ओमेगा ऑफ टी, और आपके पास ये सिग्नल गिवन है, ये है आपके पास एक्स ऑफ टी, ओके, दिस इज टी, ओके, और ये सिग्नल आपको गिवन है, ओके, इसका एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, वन, ओके, इसका एम्पलीट्यूड वन गिवन है, ओके, अब आपको जो सिग्नल प्लॉट करना है, अब आपको जो सिग्नल प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है ये x ऑफ t इक्वल्स टू टू कॉस ऑफ टू ओमेगा ऑफ t, ओके, अब देखो सेम ही तो आपके पास टू ओमेगा ऑफ t, सेम ही तो आपके पास ग्राफ है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं, ओके, अब देखो कॉस ऑफ टू ओमेगा ऑफ t का आपके पास सिग्नल गिवन है, ओके, आपको अब जो ग्राफ प्लॉट करना है वो टू कॉस ऑफ टू ओमेगा ऑफ t का प्लॉट करना है, अब देखो कि यहां पे देखो ये जरूर देखना है एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब यहां पे जो स्केल हो रहा है एम्पलीट्यूड वो टू यूनिट से हो रहा है, ओके, तो आप यहां पे बोल सकते हो एम्पलीट्यूड स्केलिंग बाय टू यूनिट, ओके, बाय टू यूनिट, अब देखो आपके पास सिग्नल यहां पे इसका एम्पलीट्यूड कितना था, वन, ओके, अब इसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर टू, ओके, अब देखो अब सिग्नल कैसा बना आपके पास, अब देखो कि यहां पे जो स्केलिंग हुई एम्पलीट्यूड की वो कितने यूनिट से हुई मेरे भाई, आप बोलोगे सर टू यूनिट से हुई, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल होगा और जो आपके पास फाइनल सिग्नल होगा उसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली जो चेंज होगा वो आपके एम्पलीट्यूड में होगा, तो यहां पे मैंने यही बोला है आप लोगों को कि उसके सिग्नल के शेप में कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो एम्पलीट्यूड में होता है, ओके, तो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का आपके पास एक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड का स्केलिंग कैसे करना है, ओके, नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल बात करूं डीटीएस सिग्नल की, ओके, इसको रफ कर दूं, ओके, अगर मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको डीटीएस का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ओके, अब देखो आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है, ओके, दिस इज एक्स ऑफ टी, ओके, और यहां पे मैं बोल देता हूं दिस इज टू, दिस इज थ्री, जीरो, वन, दिस इज टू, फोर, दिस इज थ्री एंड वन, ओके, ये आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में बताएं कि ये इससे और इसके बीच में डिफाइन नहीं होता है, एंड एक डिस्क्रीट टाइम पे ही ये डिफाइन होता है, ओके, बट जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो डिफाइन होता है, ओके, इतना तो सभी लोगों को पता है, अब देखो कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं कि आपको टू एक्स ऑफ टी का सिग्नल आपको प्लॉट करना है, ओके, तो कैसे प्लॉट करोगे, कैसे प्लॉट करोगे आप लोग, तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड का स्केल कर दूं टू यूनिट से, अगर इसके एम्पलीट्यूड का मैं स्केल कर दूं टू यूनिट से तो हम इसका एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर लेंगे, ओके, तो आप बोलोगे कि सर एम्पलीट्यूड स्केलिंग बाय टू यूनिट, ओके, एम्पलीट्यूड का स्केल कर रहे हो टू यूनिट से, अब देखो जो भी आपके पास यहां पे जीरो पे एम्पलीट्यूड कितना है टू, ओके, वन पे कितना है थ्री, टू पे कितना है फोर, थ्री पे कितना है वन, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो किससे, टू से, ओके, अब देखो यहां पे कितना था आपके पास, आप बोलोगे सर दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, ओके, अब देखो यहां पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर टू यहां पे था, टू से आपने उसका एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया तो टू इंटू टू मतलब फोर, यहां पे जीरो पे कितना हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, फोर,
ओके अब वन पे कितना था पहले थ्री, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे टू से, तो कितना हो गया सिक्स। ओके अगर टू पे देखो कितना था फोर, अब इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे टू से, तो मतलब कितना हो गया एट। ओके और थ्री पे कितना है आपके पास वन, ओके इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे टू से, मतलब कितना हो गया आपके पास टू। तो देखो यहां पे जो आपने एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया इसके अंदर सिग्नल के शेप में कोई चेंज आया नहीं आया, ओनली जो चेंज आया वो उसके एम्पलीट्यूड में आया। ओके सिग्नल के शेप में कोई चेंज नहीं आया, ओनली उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हो। ओके अब ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे कि टाइम शिफ्टिंग हो गया, टाइम स्केलिंग हो गया, टाइम रिवर्सल हो गया, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो गया, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया, तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको एक साथ भी दे सकता है, तो एक साथ भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक के बाद आपको कंडीशन अप्लाई करना है। ओके अब देखो अगर इसका रिवर्सल करना होता तो रिवर्सल करने के बाद मैं बोलता कि एक्सो माइनस ऑफ टी, तो कैसे करते रिवर्स कर देते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रिवर्सल भी हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड रिवर्सल। अब देखो ये तो नहीं, ये तो टाइम रिवर्सल हो गया ना एक्स ऑफ टी, ये माइनस एक्स ऑफ टी। ओके तो ये कितना हो जाएगा टू पे था तो ये यहां पे आ जाएगा, और ये कहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा थ्री, और ये कहां पे आ जाएगा आपके पास फोर, और यहां पे ये यहां पे आ जाएगा वन। ओके मतलब वन टू थ्री और जीरो, ऐसे ही आप उसका कर दोगे, ये भी रिवर्स में हो जाएगा, तो मतलब दिस इज एक्स ऑफ माइनस माइनस टू एक्स ऑफ टी। ओके तो ये कितना हो गया आपके पास फोर, ओके और ये कितना हो गया आपके पास सिक्स, ओके और ये कितना हो गया आपके पास एट, ओके और ये कितना हो गया आपके पास, कितना हुआ ये आपके पास टू था ना, तो ये माइनस ओके माइनस टू हो गया, दिस इज माइनस एट लिख दो, वो तो ऐसे समझ ही रहे होंगे आप, माइनस सिक्स माइनस फोर। ओके और यहां पे भी कितना हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू। ओके तो अगर आपको इसका रिवर्सल करना है तो रिवर्सल भी आप कर सकते हो। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग आपको समझ में आ गया, और एम्पलीट्यूड का अगर आपको रिवर्सल करना है तो कैसे करना है उसका रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ओके लेकिन अगर आप टाइम एक्सिस में वहां पे रिवर्सल कर रहे थे तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, और यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में उसका मिरर इमेज ले लोगे। ओके तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फिफ्थ ऑपरेशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इनको नहीं कर पाते, एडिशन नहीं कर पाते सिग्नल्स का, अगर दो डिफरेंट सिग्नल गिवन है उनका एडिशन कैसे करना होता है, जबकि ये सारे के सारे बेसिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखो अगर आपको करना है कि फिफ्थ में बात करूं सिग्नल एडिशन अब सिग्नल एडिशन कैसे करना है, फॉर द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास ये कोई सिग्नल है, ओके दिस इज ओके दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर, ओके दिस इज वन दिस इज टू दिस इज एक्स वन ओ टी। ओके नेक्स्ट है आपके पास एक सिग्नल और है आपके पास, देखो आपको डिफिकल्ट नहीं बनाना सिग्नल को, सबसे इजी बनाना है। ओके सारी चीजें एक पॉइंट एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वन दिस इज जीरो वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर। ओके अब आपके पास ये दो सिग्नल गिवन है, ओके
अब इन दोनों सिग्नल से इसको बोल देता हूं मैं x2 of t. ओके, अगर दोनों सिग्नल को आपको एडिशन करना है तो कैसे एड करोगे? अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एडिशन करके इसको बनाता हूं. अब देखो कैसे एडिशन करोगे आप. एडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, गलतियां कर दोगे आप यहां पे, और होती है. दिस इज x1 of t plus x2 of t. ओके, अब देखो कैसे एडिशन करना है आपको. यहां पे देखो कि ये जीरो टाइम पे आपके पास सिग्नल कितना था, 2 यूनिट. कितना था, 2 यूनिट. ओके, अब देखो कि जीरो टाइम पे आपके पास सिग्नल कितना है. आप बोलोगे कि सर जीरो टाइम पे तो हमारे पास सिग्नल जीरो है, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम जीरो पे कितना है, जीरो. तो आप बोल सकते हो, सबसे पहले आप मार्किंग दे दो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाना. 0, 1, 2, 3 and 4. ओके, दिस इज 1, 2, 3. ओके, अब देखो यहां पे आपके पास जीरो पे कितना है. देखो एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाओ कि दिस इज जीरो पॉइंट. जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2. ओके, और इसका कितना है, 0. तो मतलब 2 प्लस 0 कितना हो गया. आप बोलोगे सर 2, तो यहां पे डॉट दे दो. ओके, इसके बाद देखो 1 पे जाओगे तो यहां पे कितना है इसका एम्पलीट्यूड. आप बोलोगे सर 1. एम्पलीट्यूड 1 पे कितना एम्पलीट्यूड है, 1. ओके, एंड 1 पे इसका एम्पलीट्यूड जाओगे तो सर एक तो आपके पास हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, एक लोअर एम्पलीट्यूड. ओके, तो सबसे पहले हम हायर एम्पलीट्यूड लेंगे और बाद में लोअर एम्पलीट्यूड लेंगे. आप सबसे पहले लोअर भी ले सकते हो एंड हायर भी ले सकते हो. देखो अगर मैं 1 पे हायर एम्पलीट्यूड 2 लेता हूं, ओके, एंड यहां पे 1 पे जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1 है. ओके, तो मतलब कितना हो गया इसका, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1. ओके, अगर यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है 1 पे, 1, और वहां पे 1 प्लस 1. ओके, तो देखो यहां पे अगर हायर एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि सर 1 पे हायर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 3. ओके, एंड आपके पास 1 पे जो लोअर एम्पलीट्यूड है वो कितना है, आप बोलोगे कि सर 2. तो मतलब ये स्लोप आपका ऐसे गया, फिर आपका ऐसे आया. ओके, अब देखो 2 पे जाते हैं हम, 2 पे गए आप, 2 पे तो आपके पास 1 है. ओके, और यहां पे भी 2 पे गए तो 2 पे भी आप बोलोगे सर यहां पे भी 1 है. तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 मतलब 2. ओके, तो यहां पे बोलोगे सर यहां पे तो आपके पास 2 है, ये पॉइंट मार्क कर दिया. मतलब 1 से 2 के बीच में मतलब आपके पास 2 है. ओके, अब देखो 3 पे जाते हैं हम, तो 3 पे इसका लोअर पॉइंट और इसका हायर पॉइंट. ओके, अगर हम 3 पे गए तो यहां पे पॉइंट देखो, 3 पे कितना है आपके पास, 1, और 3 पे देखो यहां पे कितना था, 1, तो वहां पे 1 प्लस 1 हो जाएगा. और यहां पे देखो हायर पॉइंट कितना है आपके पास, 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और यहां पे 2. मतलब यहां पे 3 पे जो लोअर पॉइंट आएगा वो कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, और हायर पॉइंट आएगा वो कितने पे आएगा, 3 पे आएगा. ओके, तो यहां पे देखो 3 पे आप बोलोगे सर लोअर पॉइंट तो आपके पास 2 पे आ रहा है. ओके, एंड हायर पॉइंट कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है. इसको ध्यान से ढंग से बना देता थोड़ा. ठीक है, ठीक, ओके. अब देखो इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं. फोर्थ पॉइंट पे गए तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है आपके पास, 0, और यहां पे फोर्थ पॉइंट पे गए तो यहां पे कितना था, हाईएस्ट कितना है आपके पास, 2. ओके, तो मतलब 2 प्लस 0 मतलब 2. ओके, एंड यहां का कितना है आपके पास, बोलोगे सर यहां पे 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. मतलब 4 पे ही वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, 0 हो रहा है. अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर यहां पे जो होगा फोर्थ पे एक तो 2 आ रहा है. ओके, तो फोर्थ पे एक तो 2 और एक आपके पास आ रहा है 0, मतलब आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा. सभी लोगों को समझ में आया कि ये ग्राफ आपको कैसे प्लॉट करना है, कैसे आपको एडिशन करना है. इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें एडिशन कर देना है. ओके, अगर आपको मैं यहां पे बोलूं कि आप यहां पे इसका
बिल्कुल सही है ना, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो कि आपने यहाँ पे एडिशन किया, तो एडिशन करने के बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बिल्कुल, और यहाँ पे 4 पे देखो, 4 पे गए तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 2, 4 पे गए तो आपके पास कितना हो गया 2, एंड ओके 0 प्लस 2, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो थोड़ी सी गलती होगी ना, थोड़ी सी गलती आपके मार्क्स ले बैठेगी। अब कैसे, यहाँ पे तो ये जो एम्पलीट्यूड था, ये जो एम्पलीट्यूड था ये तो आपके पास 3 था ना, ये तो आपके पास 3 था, एम्पलीट्यूड 2 तो आपके पास यहाँ पे था, ओके ये गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो देखो 4 पे कितना था 2, 4 पे कितना था आपके पास 2, 4 पे कितना हुआ आपके पास 2, तो ये आपके पास स्लोप आएगा, ओके। तो सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से आपको स्लोप ड्रॉ करना है, इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है, ओके। तो सारी चीज समझ में आई। अब देखो अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करना चाहूं, तो अगर सिग्नल 1 में से सेकंड को मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूं तो वो भी कर दोगे आप। देखो देखो अगर आप करना चाहते हो यहां पे सब्ट्रैक्शन, देखो देखो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ t। अब देखो कि अब मैं इसको रफ कर देता हूं पहले वाले पॉइंट को, अब देखो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, वहां पे पॉइंट में मार्क कर देता हूं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके। अब देखो 0 पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, तो 0 पे आप बोलोगे सर दिस इज 2, ओके। अब यहां पे कितना था एम्पलीट्यूड इसका 0, तो 2 में से आपके पास 0 गया तो कितना बचा आपके पास, आप बोलोगे सर अगर 2 में से 0 गया तो आप बोलोगे सर 2, ओके मतलब इस कंडीशन पे कितना बचा आपके पास, आप बोलोगे कि सर इस कंडीशन पे हमारे पास आएगा 2, ओके तो आप बोल दोगे कि इस कंडीशन पे हमारे पास आएगा 2, ओके। अब देखो इसके बाद देखो कि आपके पास 1 है, 1 पे कितना है आपके पास एम्पलीट्यूड 1, ओके 1 पे देखो, 1 पे देखो तो 1 पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि सर एक तो हायर पॉइंट एक लोअर पॉइंट, तो यहां पे हायर पॉइंट कितना है 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और यहां पे आपके पास 1 है तो यहां पे लिख दोगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 इसका एंड 1 इसका, ओके तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो आप बोल सकते हो कि सर जो 1 पे आएगा एक तो आपके पास 1 आएगा एक आपके पास 0 आएगा, तो 1 पे आप बोल सकते हो एक तो आपके पास पॉइंट यहां पे होगा एक आपके पास पॉइंट यहां पे होगा, ओके। अब देखो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 1 तक की बात होगी, ओके। अगर मैं आगे बात करूं यहां पे 2 पे, देखो 2 पॉइंट पे मैं बात करूं तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है 1, और यहां पे 2 पे कितना है आपके पास 1, तो यहां पे 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर दिस इज 0, ओके तो 1 माइनस 1 कितना हो गया यहां से यहां तक आपके पास 0। 2 से 3 के बीच में बात करूं तो 2 से 3 के बीच में आप क्या बोलोगे कि सर 3 पे 3 पॉइंट पे देख लेते हैं, 3 पॉइंट पे कितना है 1, ओके एंड 3 पॉइंट पे यहां पे 2 है, ओके एक तो आपके पास 1 है एक आपके पास 2 है, तो यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक तो 1 एम्पलीट्यूड इसका एक 1 एम्पलीट्यूड इसका, तो हायर पॉइंट आपके पास 1 हो गया लोअर पॉइंट आपके पास 0 हो गया, ओके तो देखो 3 पॉइंट पे गए हम दिस इज ओके, तो यहां पे हायर पॉइंट कितना हुआ आपके पास, हायर पॉइंट कितना हुआ आपके पास, आप बोलोगे सर हायर पॉइंट हो गया हमारे पास 1, यहां से स्टार्ट हो गया, ओके देखो ये तो हो गया 1, ये हो गया आपके पास 0। अब देखो आगे हम बात करते हैं यहां पे फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट पे आप बोलोगे कि सर फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास हायर है आपके पास 2, ओके और वहां पे कितना है 0, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, ओके आप यहां का भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस 0 तो यहां पे तो कितना हो जाएगा 0, ओके। तो अब देखो कि आपके पास फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे कितना मिल रहा है आपको 2, तो आप बोलोगे सर फोर्थ पॉइंट पे हमारे को जो मिला ये,
और फोर्थ पॉइंट पे आपको क्या मिला, जीरो। ओके, तो मतलब आपके पास ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपको सिग्नल का एडिशन कैसे करना है एंड सिग्नल का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब देखो यहां पे बेसिक सी आपको चीज क्या याद रखना है, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, यहां पे पॉइंट देखो, एडिशन कर रहे थे तो यहां पे स्लोप देखो इंक्रीज हो रहा था एंड डिक्रीज हो रहा था। ओके, अब देखो यहां पे एडिशन हो रहा था तो यहां पे इंक्रीज हुआ फिर यहां पे डिक्रीज हुआ, बट सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन में देखो जीरो से वन के बीच में देखो, यहां पे इंक्रीज हो रहा था तो यहां पे डिक्रीज हुआ, यहां पे डिक्रीज हो रहा था तो यहां पे इंक्रीज हुआ। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आप वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास स्लोप उल्टा हो जाएगा। ओके, और अगर एडिशन कर रहे हैं तो आपका स्लोप वैसे ही रहेगा जैसा पहले था। ओके, तो आपको एडिशन समझ में आ गया कि सिग्नल का एडिशन कैसे करते हैं। अब देखो मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, मल्टीप्लीकेशन समझते हैं। सिग्नल मल्टीप्लीकेशन 6, सिग्नल मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब सिग्नल मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो यहां पे मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एग्जाम्पल से ही इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहां पे आपके पास दिस इज टू, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। ओके, एक सिग्नल है आपके पास एक्स टू ऑफ टी, ओके, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज वन टू, दिस इज थ्री। ओके, ये आपके पास एक सिग्नल दे दिया मैंने। अब दो सिग्नल आपको गिवन है यहां पे, अब देखो इनका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, सिग्नल का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको बोल देता हूं मैं x1 of t, x2 of t। ओके, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, जैसे कि आपके पास दिस इज जीरो कंडीशन, ओके, दिस इज टी एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स वन टी इंटू एक्स टू ऑफ टी। ओके, अब दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, देखो वही तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है जैसा कि आपने पहले एडिशन कर रहे थे। यहां पे जीरो, यहां पे आपको बोल देता हूं वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। ओके, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज फोर बोल देता हूं। ओके, अब देखो आपके पास जीरो पॉइंट पे, अगर मैं इस जीरो पॉइंट को मैं मार्क करता हूं यहां पे, तो जीरो पॉइंट पे आपको सिग्नल मिलता है वन। ओके, जीरो पॉइंट पे क्या मिलता है वन, एंड जीरो पॉइंट पे अगर मैं मार्क करता हूं तो जीरो पॉइंट पे आपको मिलता है टू। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स वन एंड एक्स टू का, तो टू इंटू वन मतलब कितना हो जाएगा आपके पास टू। ओके, तो मतलब जीरो पे आपको जो सिग्नल मिलेगा वो कितना होगा टू। ओके, अगर मैं वन पॉइंट पे मैं बात करूं, अगर वन पॉइंट पे मैं बात करूं, ओके, तो वन पे आपको मिलता है वन। ओके, तो वन पे देखो यहां पे दो मिलते हैं, एक तो हायर एक आपको लोअर। ओके, तो हायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे सर टू इंटू वन कितना हो गया आपके पास टू। ओके, अगर लोअर की भी बात करूंगा तो आप बोलोगे सर लोअर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वन इंटू वन इक्व टू वन। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो कि एक तो आपके पास
वन पे जो सिग्नल मिलेगा, वन पे जो सिग्नल मिलेगा आपको, वन पे जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा एक तो आपको टू, वन पे जो सिग्नल मिलेगा एक तो मिलेगा आपको टू, तो यहां पे पॉइंट मार दिया। ओके, एक वन पे जो सिग्नल मिलेगा वो दूसरा सिग्नल क्या होगा आपके पास, वन। ओके, एक होगा आपके पास वन। इतना समझ में आया सभी लोगों को? ओके, अब देखो अगर मैं यहां पे इस पॉइंट की बात करता हूं टू पॉइंट की, तो यहां पे देखो आपके पास कितना है, आप बोलोगे सर दिस इज वन। ओके, और यहां पे देखो टू पॉइंट में मैं बात करता हूं, तो यहां पे बोलोगे सर दिस इज टू। ओके, टू पॉइंट पे देखो आपके पास टू है और यहां पे कितना है आपके पास टू पे वन, तो वन इंटू टू कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर टू। ओके, तो टू पे आप कितना बोलोगे, टू पे कितना हो गया आपके पास, आप बोलोगे सर दिस इज टू। ओके, अब देखो ये सिग्नल कैसे टू पे कैसे जंप किया, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो आप यहां पे। ओके, अब देखो टू से थ्री के बीच में मैं बात करता हूं, तो थ्री पे देखो हायर कितना है आपके पास टू, लोअर कितना है आपके पास जीरो। ओके, अब देखो थ्री पे देखो यहां पे तो आपके पास जीरो ही है ना मेरे भाई, जीरो है ना, तो जीरो इंटू टू तो जीरो ही होगा ना, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो करो या जीरो इंटू टू करो तो वो तो जीरो ही होगा। मतलब अब ये जो टू से डायरेक्टली आपका पास ये जंप करेगा वो इस तरीके से जंप कर जाएगा, थ्री पे जो सिग्नल आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि सिग्नल का आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो, सिग्नल का आप एडिशन कैसे करते हो, ये तो हमने कंटिन्यूस टाइम की बात कर ली। अगर सिग्नल का एडिशन करना हो और आपके पास डीटीएस हो तो उस टाइम पे कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ऐसे ही आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ऐसे ही आपको एडिशन करना है, और इसका डिवाइडेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। देखो टाइम एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, याद रखना मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन पे आपका टाइम एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओनली जो फर्क पड़ रहा है आपका एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है। ओके, अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे कि जो सिग्नल का एडिशन किया अभी आपने, सिग्नल का एडिशन किया, सिग्नल का जो एडिशन किया, सिग्नल के एडिशन में अगर मैं डीटीएस की बात करूं, तो अब डीटीएस की बात करूं जैसे कि आपके पास एक्स वन सिग्नल है। ओके, इसको बोल देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, कहीं पे भी एरो दे देता हूं आपके हिसाब से, आप कहीं पे भी दे सकते हो, एन इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखो यहां पे सेकंड सिग्नल दे देता हूं एक्स टू एन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके, ये दो सिग्नल आपने दे दिए। अब देखो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन, सिग्नल का सबसे पहले एडिशन कर दो, एक्स वन एन प्लस एक्स टू ऑफ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो एडिशन में क्या ध्यान रखना है आपको, अगर ये क्या है आपके पास एन इक्वल टू माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये प्लस वन है, ये प्लस टू है, ये प्लस थ्री है, ये क्या है, ये भी आपके पास एन इक्वल टू जीरो है, दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज माइनस वन दिस इज माइनस टू। ओके, सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन एडिशन में क्या याद रखना है आपको कि जो आपके पास ये सिग्नल गिवन है इसी पॉइंट का माइनस टू पे माइनस टू का ही एडिशन करो, माइनस वन पे माइनस वन का ही एडिशन करो, जीरो पे जीरो का ही एडिशन करो। ऐसा नहीं है कि आप माइनस टू पे यहां पे ले रहे हो और इसका भी आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, या इसको पूरे से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या दूसरे से पूरा का पूरा एडिशन कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये माइनस टू है, ये माइनस टू है, दिस इज माइनस वन दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री। ओके, अब देखो आपको जो माइनस टू पे जो गिवन है उसी का एडिशन करना है। ओके, बाकी को छोड़ देना है, माइनस टू पे है टू प्लस वन, तो यहां पे लिखोगे टू प्लस वन। ओके, माइनस वन पे है कितना है थ्री प्लस टू, तो यहां पे लिख दोगे थ्री प्लस टू। ओके, जीरो पे कितना है फोर प्लस थ्री, तो फोर प्लस थ्री। वन पे कितना है फाइव प्लस फोर, फाइव प्लस फोर। टू पे कितना है सिक्स प्लस फाइव, सिक्स प्लस फाइव। थ्री पे कितना है सेवन प्लस सिक्स, सिक्स प्लस सेवन। ओके, तो इस तरीके से एडिशन करना है। एन इक्वल टू जीरो पे है तो जीरो की टर्म को ही आप एडिशन करो, एन इक्वल टू वन है तो वन की टर्म्स को ही आप एडिशन करो, टू है तो टू की टर्म को ही एडिशन करो। इस तरीके से आपको डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल के अंदर करना है। अब देखो
अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता, मान लो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसी सिग्नल को आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ओके, यही सिग्नल है आपके पास डीटीएस में, और इसी सिग्नल को आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब आपको करना है एक्स वन एन इंटू एक्स टू ऑफ एन, ओके। अब देखो यहां पे भी वही करना है आपको, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, क्या करना है आपको, वन वाली टर्म को वन से मल्टीप्लाई करो, टू वाली टर्म को टू से मल्टीप्लाई करो, थ्री वाली टर्म को थ्री से मल्टीप्लाई करो। अब देखो माइनस टू वाली टर्म है टू इंटू वन, तो यहां पे कितना हो जाएगा टू इंटू वन, माइनस वन वाली टर्म है थ्री इंटू टू, तो यहां पे लिख दो थ्री इंटू टू, जीरो वाली टर्म है तो फोर इंटू थ्री, वन वाली टर्म है तो आप लिखोगे फाइव इंटू फोर, टू वाली टर्म है तो आप लिखोगे सिक्स इंटू फाइव, और थ्री वाली टर्म है तो आप लिखोगे सिक्स इंटू सेवन, ओके। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है डीटीएस के अंदर एंड सीटीएस के अंदर। तो बेसिक का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है कि किस तरीके से आपको शिफ्टिंग करना होता है, किस तरीके से आपको स्केलिंग करना होता है। देखो प्रोसेस यही है आपको, जो प्रोसेस मैंने कल आपको बताया था कि आपको सबसे पहले प्रोसेस में क्या चीजें याद रखना है, वो भी मैं दोबारा एक बार और बता देता हूं। प्रोसेस में क्या चीजें याद रखना है आपको, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, टाइम शिफ्टिंग, उसके बाद स्केलिंग भी कर सकते हो या आप रिवर्सल भी कर सकते हो, उसके बाद क्या करो, टाइम स्केलिंग करो या टाइम रिवर्सल करो, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, एंड उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो भी चीजें आएगी एम्पलीट्यूड की आएगी, इसके बाद आएगी, इसके बाद आप कर सकते हो एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब आप बोलोगे सर यहां पे सिग्नल मल्टीप्लीकेशन एंड सिग्नल एडिशन क्यों नहीं लिखा, सिग्नल एडिशन एंड सिग्नल मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, वो वहां पे दो सिग्नल गिवन होंगे, उन दो सिग्नल का आप एडिशन करोगे, उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, ओके। यहां पे एक सिग्नल की बात हो रही है कि एक सिग्नल में क्या क्या प्रोसेस आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, तो आपको इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इतना समझ में आया कि टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, फिर एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे, टाइम उसका स्केल कर दो, फिर उसके बाद रिवर्सल करो, वापस वही कंडीशन आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, ओके। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल से आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया होगा, इक्वेशन एक्स ऑफ माइनस थ्री टी प्लस टू, ओके। इसका जो सिग्नल है, इसका जो सिग्नल है ये गिवन है आपके पास, टू मिनट वेट, एक्स ऑफ टी, ओके सिग्नल है आपके पास okay, this is 2, this is 2, this is 1, this is 2, and this is 0, this is 1, this is 2, and this is minus 1. ये आपको कोई सिग्नल गिवन है, ओके okay? ये इसका नहीं है, ये आपको सिग्नल गिवन है, ये आपको कोई सिग्नल गिवन है, और यहां पे आपसे बात कर रहा है वो कि आप फाइंड आउट करो x ऑफ माइनस थ्री टी प्लस टू पे आपका सिग्नल कैसा होगा, इस पे आपका सिग्नल कैसा होगा। अब देखो कैसे प्लॉट करोगे, सबसे पहले देखो ये आपके पास जो सिग्नल है ये किसका सिग्नल है, ये एक्स ऑफ टी का सिग्नल है आपके पास, ओके। सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो कि यहां पे क्या गिवन है, तो यहां से शिफ्टिंग कितना कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर इसे हम थ्री यूनिट से इसका शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको बोल दूं टाइम शिफ्ट
टाइम शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट। ओके, अब देखो यहां पे आप लिखोगे एक्स ऑफ टी प्लस 3। अब देखो टी प्लस 3 आपने लिखा है, सॉरी टी प्लस 2 है ना, 2 यूनिट। अब देखो टी प्लस 2 जो आपने यहां पे लिखा है, टी प्लस 2 ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिले है या एडवांस है। अब देखो कि यहां पे आप बोलो कि टी प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू माइनस 2, मतलब आप बोलोगे कि जो ये सिग्नल होगा शिफ्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं होगा। भले ये एडवांस है, ये पहले से इस सिग्नल से पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमने इसको एडवांस सिग्नल बोलेंगे उसको। ओके, अगर टी माइनस 2 होता तो वो आगे से स्टार्ट होता और उसको हम बोलते डिले, कि इस सिग्नल के बाद में वो स्टार्ट हुआ है। ओके, तो यहां पे टी माइनस 2 मतलब यहां पे जितने भी टाइम एक्सिस है यहां पे सब जगह पे आप क्या टाइम पीरियड लगा दोगे कि दिस इज -2 and -2 -2 -2। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा आगे प्लॉट कर देता हूं मैं। अब देखो ये हो गया आपके पास एक्स टी प्लस 2 का सिग्नल, एक्स टी प्लस 2 का। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो यहां पे जो ये टर्म हो जाएगी, यहां पे लिख दिया आपने माइनस 2, तो ये -1 -2 कितना हो जाएगा -3। यहां पे कितना हो जाएगा -2, आगे कितना हो जाएगा -1 -1 and 0। दिस इज 2 - 2 मतलब 0। अब आपका ग्राफ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो कि यहां पे सेम ग्राफ, यहां से यहां तक कितना था आपके पास ये वाला शेप, यहां से यहां तक ये वाला शेप, यहां से यहां तक ये शेप। ओके, वापस इसी ग्राफ को ऐसा का ऐसा बना दो आप यहां पे। अब देखो ये हो गया आपके पास -2 से यहां से यहां तक ये स्लोप। ओके, यहां से यहां तक इससे आगे ये ग्राफ ना। ओके, यही ग्राफ वापिस ऐसा कैसा ग्राफ हमने बना दिया। अब देखो दिस इज, ये क्या लिख रखा है यहां पे, ये 2 नहीं है ना, ये तो 1 है, 1 ही तो यूनिट है ना, ये है 2 तो। ओके, दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट। अब देखो आपने कैसे बनाया कि सर यहां पे -1 से 0 के बीच में आपके पास कितना ग्राफ, कितना ये था यहां से यहां तक, लेकिन यहां पे आपने शिफ्ट कर दिया -3 से -2 के बीच में, ये शिफ्टिंग हो जाएगा। अब -2 से -1 के बीच में ये वाला शिफ्टिंग हो जाएगा, एंड यहां पे -1 से लेके 0 तक आपके पास ये शिफ्टिंग हो जाएगा। ओके, तो आपने ये बना दिया, ये तो बना दिया आपने एक्स टी प्लस 2 का आपने ग्राफ। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, वो स्केलिंग भी कर रहा है। यहां पे देखो कि यहां पे स्केलिंग भी किया है, तो आप लिख सकते हो टाइम स्केलिंग बाय 3 यूनिट। टाइम स्केलिंग करते हो उसका मतलब है आप उसे 3 से डिवाइडेड करते हो। ओके, अब ये देखो कि आपके पास जो ये 3 है ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, ग्रेटर देन 1 है ना, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे मैंने बोला था कि ए ग्रेटर देन 1 मतलब ये आपके पास कंप्रेस हो रहा होगा। अगर लेस देन होता तो वो एक्सपेंडेड होता, तो मतलब कम हो रहा होगा उसका। अब देखो यहां पे आपके पास ये सिग्नल, अब इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब देखो ये टर्म कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर दिस इज -1, दिस इज -2 बाय 3, दिस इज -1 बाय 3, दिस इज 0। ओके, वापिस यही शेप रहेगा, शेप में तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये किसका ग्राफ बना, एक्स ऑफ 3 टी प्लस 2 का। ओके, लेकिन अभी भी आपको जो
प्लॉट करना है ग्राफ, वो माइनस थ्री टी प्लस टू का करना है। अब इसका आप क्या कर दो, रिवर्सल कर दो, क्या कर दो, रिवर्सल कर दो। नेक्स्ट रहेगा टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल मतलब टाइम रिवर्सल करोगे तो देखो आपके पास जो अब जो प्लॉट होगा, प्लॉट होगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर दिस इज एक्स ऑफ माइनस थ्री टी प्लस टू। अब इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में, इसके अबाउट में आप इसका क्या ले लोगे, मिरर इमेज ले लोगे। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास दिस इज जीरो, दिस इज वन बाई थ्री, दिस इज टू बाई थ्री, दिस इज वन। ओके, अब देखो जीरो से वन बाई थ्री के बीच में क्या था, आपके पास ये ग्राफ यहां पे आ जाएगा। ओके, यहां से वरना यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये ग्राफ आपका यहां पे ऐसे हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो इसके बाद कैसे हुआ आपके पास। ओके, इसके बाद ये वाला से दिस इज टू दिस इज वन। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि आपको उसका शिफ्टिंग कैसे करना है, उसका रिवर्सल कैसे करना है एंड आपको उसका एम्पलीट्यूड स्केलिंग कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको इस ग्राफ से क्लियर होगी होगी। अगर मैं यहां पे देखो, अगर यहां पे मैं इसी के अंदर ये बोल देता कि यहां पे आपके पास टू आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम्पलीट्यूड को स्केल कर देते ना ऊपर टू यूनिट से। इसके बाद क्या कर देते आप, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड स्केल बाय टू यूनिट। अब यहां पे जो ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हो ना मेरे भाई, तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हो एम्पलीट्यूड में। ओके, लेकिन टाइम के अंदर आपने जब सब जगह पे स्केलिंग किया तो डिवाइडेड किया, एंड जब एम्पलीट्यूड में करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करते हो एम्पलीट्यूड को। ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड का जब स्केलिंग करते हो तो इसमें मल्टीप्लाई करते हो, और जबकि टाइम एक्सिस है अगर उसका स्केलिंग करते हो तो उसे डिवाइडेड करते हो। ये चीज लिख लेना हेडर में, ये गलती आप कर सकते हो। आप यही समझोगे कि स्केलिंग का मतलब तो डिवाइडेड होता है, बट एम्पलीट्यूड में उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, तो ये हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम बात करेंगे यूनिट स्टेप की, इंपल्स के बारे में बात करेंगे, रैंप सिग्नल के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड सिग्नल है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल है। ओके, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री सिग्नल की। एलिमेंट्री सिग्नल में जैसे कि आपको पता है कि एक तो डेल्टा फंक्शंस हो गया, मतलब डेल्टा सिग्नल हो गया यूनिट इंपल्स वाला, एंड उसके अलावा यूनिट स्टेप हो गया, एंड उसके अलावा रैंप हो गया, एंड उसके बाद आपका पैराबोलिक हो गया। अब देखो कि यहाँ पे यूनिट स्टेप डेल्टा इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये स्टैंडर्ड सिग्नल, इनसे क्या होता है कि कितने भी आप कॉम्प्लेक्स है ना सिग्नल्स बना सकते हो, इसीलिए इनको स्टैंडर्ड सिग्नल बोला गया है। क्योंकि इन स्टैंडर्ड सिग्नल के थ्रू ही आप कितने भी सिग्नल बनते हैं ना इंडिया के, उतने कॉम्प्लेक्स आप सिग्नल्स बना सकते हो। तो एलिमेंट्री सिग्नल की हम बात करते हैं। देखो एलिमेंट्री सिग्नल, एलिमेंट्री हेडिंग डालो एलिमेंट्री सिग्नल। ओके, एलिमेंट्री सिग्नल में सबसे पहले देखो यूनिट इंपल्स, यूनिट इंपल्स सिग्नल। ओके, इससे ही आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोलते हो, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये दूसरा नाम है इसका। ओके, डेल्टा ऑफ टी। ओके, मतलब ये कंटिन्यूस टाइम के लिए आप डेल्टा ऑफ टी रिप्रेजेंट करते हो, और आप अगर डीटीएस में बात करते हो डेल्टा ऑफ एन आप रिप्रेजेंट करते हो। ओके, सेकेंड अगर मैं बात करूं यहां पे यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको आप यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हो। थर्ड अगर मैं बात करूं यहां पे रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल, ओके, इसे आप जो रिप्रेजेंट करते हो आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हो। एंड फोर्थ है आपके पास पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, इसे आप पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, फिफ्थ है आपके पास साइनोसोइडल सिग्नल, जिसको साइन थीटा से आप रिप्रेजेंट करते हो। ओके, सिक्स्थ है आपके पास एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली सिग्नल, जिसे आप ई की पावर x से आप रिप्रेजेंट करते हो। सेवंथ है आपके पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल, जिसके अंदर आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे। तो ये आपके पास एलिमेंट्री सिग्नल है, एक प्रकार से ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड सिग्नल।
अब इन्हीं सिग्नल के थ्रू आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड सिग्नल, स्टैंडर्ड सिग्नल, ओके, स्टैंडर्ड सिग्नल्स, ओके। तो इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू आप कितने भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल है ना बना सकते हो, ओके। आप देखते होंगे कि कहीं टीचर्स होते हैं कि वो बहुत सारी आपको प्रॉपर्टी याद करवाते हैं, ओके, लेकिन वो इतनी प्रॉपर्टी क्यों याद करवाते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो इतनी प्रॉपर्टी क्यों याद करवाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना सिग्नल में प्रॉपर्टी ज्यादा याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन एक लिमिटेड प्रॉपर्टी बताना चाहिए, उसके थ्रू बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अब आप इस प्रॉपर्टी को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, ओके। तो मैं आपको कम से कम प्रॉपर्टी बताऊंगा एंड उसका यूटिलाइजेशन आपको बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी को आप यूज करके सारे के सारे फंक्शंस आप सोल्व कर सकते हो, ओके। अब हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो चुका है, ओके। तो यह सिग्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो देखो, सबसे पहले हम एलिमेंट्री सिग्नल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या कंडीशंस याद रखना है। तो आप सबसे पहले दो पेज छोड़ देना, जहां पे ये सिग्नल स्टार्ट करोगे वहां पे दो पेज छोड़ देना, फिर फाइनली जब हमारे पास इन सिग्नल्स के ग्राफ प्लॉट होंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे यही ग्राफ आपको वहां पे प्लॉट करना है और उनका कंडीशंस आपको वहां पे लिखना है और कुछ प्रॉपर्टी है उन दो पेजेस पे लिखना है, ओके। तो दो पेज सभी लोग छोड़ देना। अब देखो कि सबसे पहले नॉर्मली आप बीटेक करके आए हो तो यूनिट स्टेप के बारे में तो सभी लोग जानते हो कि दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके। अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन कहां से आता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं डेल्टा ऑफ टी का, देखो डेल्टा ऑफ टी क्या है, इंपल्स सिग्नल, इंपल्स सिग्नल का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास आता है यू ऑफ टी, ओके। अब देखो यू ऑफ टी आ गया, अब इस यू ऑफ टी को मतलब क्या होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो वन होता है, ओके, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे डिफाइन होता है, अभी सारी चीजें हम बात करेंगे, ओके। तो ये देखो कि इसका इंटीग्रेशन होता है वो यू ऑफ टी होता है, यू ऑफ टी मतलब इसका एम्पलीट्यूड वन, अगर मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर दूं तो अगर यू ऑफ टी डी ऑफ टी, तो मतलब ये तो क्या हो गया आपके पास वन, तो मतलब ऐसे लिख सकते हो ना वन डी ऑफ टी, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, टी हो जाता है, ओके, टी हो जाता है। तो मतलब ये टी का मतलब क्या है आपके पास, रैंप सिग्नल, क्या है, रैंप सिग्नल। अगर आपने इंपल्स का इंटीग्रेशन किया तो आपको मिलता है यूनिट स्टेप, और अगर यूनिट स्टेप का आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको मिलता है रैंप सिग्नल, ओके। रैंप सिग्नल मतलब आपके पास क्या हो जाता है, ये आर। अब देखो अगर मैं रैंप सिग्नल का भी अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, आगे आगे वाला फंक्शन मिलेगा, मतलब पैराबोलिक मिलेगा, कैसे, देखो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं रैंप सिग्नल का डी ऑफ टी, ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो इसको कि अगर यहां पे लिख दो, ओके, कि यहां पे टी डी टी का आप अगर इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, टी स्क्वायर बाई टू, ओके, और टी स्क्वायर बाई टू किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक को, ओके। तो मतलब आप बोलोगे कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद पी ऑफ टी आपको मिलता है, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले तो यह समझो कि इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि छोटे 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 पार्ट का आप उनका मल्टीप्लीकेशन या एडिशन करके उसको एक बड़ा पार्ट बनाना। नॉर्मली प्रैक्टिकली सोचो कि एक छोटे छोटे पार्ट को आप बड़ा पार्ट बनाने जा रहे हो, ये होता है इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बड़े पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट के अंदर, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। समझ में आया दोनों का मीनिंग, कि आपका जो ये डिफरेंशिएशन होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब आप ये सोच लो कि एक पत्थर है, बड़ा पत्थर है, आपको बड़ा पत्थर बनाना है, तो छोटे छोटे पत्थर को आप इकट्ठा करके बड़ा पत्थर बना लोगे। अब बड़े पत्थर को आपको छोटा बनाना है तो उसका डिफरेंशिएशन करके आप छोटे छोटे पत्थर बना लोगे। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैग्नेट लो, एक मैग्नेट होती है। अब ये देखो कि मैग्नेट में वो जो छोटे छोटे उसके मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, जब वो धीरे 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 सारे के सारे जॉइंट होते हैं तो एक बड़ा सा गुच्छा बन जाता है, बड़ा सा मैग्नेट बन जाता है। मतलब छोटे छोटे सारे के सारे एड हुए तो वो क्या बन गया आपके, हमारे पास इंटीग्रेशन, ओके। अब आप उसको ब्रेक कर रहे हो वापिस छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रहे हो तो वो क्या बन गया आपके पास, डिफरेंशिएशन। समझ में आया, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना, और जबकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट बनाना, ओके। अब देखो अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूं,
अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूं, ओके, तो अगर मैं बोल दूं कि डी पैराबोलिक ऑफ टी डिवाइड बाय डी ऑफ टी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप बोलोगे कि दिस इज रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल। अगर मैं आपसे बोलूं कि डी आर ऑफ टी और इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं, तो आप बोल दोगे कि सर यूनिट स्टेप, उल्टा हो रहा है ना वापिस, ओके, यूनिट स्टेप सिग्नल। और अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आपको डी यू ऑफ टी डिवाइड बाई डी ऑफ टी, ओके, इसका डिफरेंशिएशन, तो आप बोल दोगे कि सर दिस इज डेल्टा फंक्शन। अब बोल दोगे कि सर अगर इस डेल्टा का भी अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो यार डी डेल्टा ऑफ टी डिवाइड बाई डी ऑफ टी, तो आप बोल दोगे डेल्टा ऑफ टी डबल डेल्टा। समझ में आया? मतलब डिफरेंशिएशन में आपको ये डायरेक्शन एंड इंटीग्रेशन में ये डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। याद रखोगे ना सभी लोग? अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली बता दूंगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ओके। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने जैसे ही डेल्टा से आपने यू ऑफ टी लिखा, अगर मैं यू ऑफ टी का डबल इंटीग्रेशन कर दूं, तो एक बार इंटीग्रेशन में किस में गया? वो रैंप के अंदर गया। डबल इंटीग्रेशन किस में चला जाएगा? आप बोलोगे सर पैराबोलिक के अंदर। कैसे भी लिखो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। तो ये टेबल अच्छे से बना लेना, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आना चाहिए आपको कि हम अगर डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यूनिट स्टेप मिलता है, यूनिट स्टेप के बाद रैंप मिलता है, रैंप के बाद पैराबोलिक मिलता है, और अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पैराबोलिक से हमारे को रैंप मिलता है, और रैंप से यूनिट स्टेप मिलता है, यूनिट स्टेप से आपको डेल्टा मिलता है, और डेल्टा से आपको डेल्टा डबल डैश मिलता है, और अगर डेल्टा डबल डैश का भी कर दिया जाए डेल्टा ट्रिपल डैश मिलता है, ओके। तो ये कंडीशंस आपको याद रखना है, ओके। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट इंपल्स सिग्नल। देखो ये सिग्नल है ना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुआ है बेसिक का। अब ये सिग्नल्स आपको हर जगह पे नीड पड़ेगी। अब जो ये अभी ये वाला पार्ट बताया ना, जो आपने दो पेज छोड़े हुए ना, वहीं पे लिखना है इसको, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब जो बात करते हैं हम, सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप यूनिट इंपल्स, यूनिट इंपल्स। मैं सिग्नल एंड सिस्टम ऊपर से रफ कर देता हूं, ओके, इसको रफ कर देता हूं। यहां पे लिख दो आप फर्स्ट यूनिट इंपल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी, ओके, या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये भी लिखा है तो मतलब डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, बात एक ही है। ये भी इसका दूसरा नाम है, ओके, यूनिट इंपल्स डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब देखो यहां पे यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं, तो यहां पे CTS की बात होगी और DTS की बात होगी, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारी चीजें, ओके, क्योंकि DTS के अंदर जो टाइम पीरियड होता है उसको आप N से रिप्रेजेंट करते हो, और जो कंटिन्यूस के अंदर होता है उसको टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हो, ओके। अब देखो कि सबसे पहले अगर मैं CTS की बात करूं, आप टेबल भी बना सकते हो बीच में डाल के, इधर CTS इधर DTS, ओके। तो सबसे पहले मैं CTS की बात करूंगा, प्रॉपर्टी कम से कम बताऊंगा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करना आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी आप यहां पे ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इसका जो डेफिनेशन बोलता है वो बोलता है कि डेल्टा ऑफ टी इज डिफाइंड एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो दिस इज वन, एंड टी नॉट इक्वल टू जीरो पे दिस इज जीरो, टी नॉट इक्वल टू जीरो पे दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। और अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा ऑफ टी माइनस के पे, तो आप बोलोगे कि दिस इज डिफाइंड टी ग्रेटर देन टी टी इक्वल टू t
टी ग्रेटर देन ई ओनली इक्वल टी ग्रेटर देन टी इक्वल्स टू के वन एंड टी नॉट इक्वल्स टू के दैट इज जीरो। ओके इतना सभी लोगों को समझ में आई, ये इसका डेफिनेशन है। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास यूनिट स्टेप यूनिट इंपल्स दिस इज टी दिस इज डेल्टा ऑफ टी और यहां पे देखा होगा आपने यहां पे वन लिखा रहता है दिस इज जीरो माइनस दिस इज जीरो प्लस दिस इज माइनस इंफिनिटी दिस इज प्लस इंफिनिटी। ओके अब देखो यहां पे आपको वन लिखा रहता है तो वन का मतलब क्या है देखो यहां पे ये सिग्नल है ना t इक्वल टू जीरो पे ये टाइम है आपके पास t इक्वल टू जीरो पे ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है किसको अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो ये सिग्नल है t इक्वल टू जीरो पे इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो ये वन क्या रिप्रेजेंट करता है वन क्या रिप्रेजेंट करता है यहां पे जो ये वन है ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि t इक्वल टू जीरो पे इंपल्स का जो एरिया है वो वन है। इंपल्स का मतलब ही क्या है पल्स कि आपको एक पल्स मिलना चाहिए। ओके और वो पल्स कहां पे मिलती है आपको t इक्वल टू जीरो पे। ओके t इक्वल टू जीरो पे तो ध्यान रखना कि जो ये वन है ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि इस पल्स का जो एरिया है वो वन है इसका जो एरिया है वो वन है बट इसका एम्पलीट्यूड है t इक्वल टू जीरो पे वो इंफिनिटी है t इक्वल टू जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है इंफिनिटी है और t लेस देन जीरो पे भी जीरो था t ग्रेटर देन जीरो पे भी वो जीरो था। समझ में आया अब एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। ओके इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओके माइनस टी एक्सिस का आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और यहां पे लिखोगे डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी। अब जो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। ओके इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया को वो अप्रोच कर रहा है तो इसका एरिया कितना है वन क्योंकि जो ये सिग्नल है वो टी इक्वल टू जीरो पे ही डिफाइन है t इक्वल टू जीरो पे ही डिफाइन है उससे पहले आपके पास इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा जीरो होगा एंड t ग्रेटर देन जीरो पे भी वो जीरो होगा। ओके ऐसा नहीं है कि आप इसको t इक्वल टू जीरो पे ही इसको डिफाइन कर रहे हो क्योंकि t का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो ये कहना गलत हो जाएगा कि आप इसको t इक्वल टू जीरो पे ही उसको वन मानते हो t इक्वल टू जीरो पे ही उसका एम्पलीट्यूड आप इंफिनिटी मानते हो फिर ये तो गलत है फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना कि डेल्टा हो टी माइनस थ्री जैसे कि मैं बात करूं फॉर द एग्जांपल इसे समझने की कोशिश करना कि डेल्टा ऑफ के माइनस थ्री। ओके तो आप बोलोगे कि सर अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो आप बोलोगे कि सर इसको लिख देता हूं टी टी इक्वल टू थ्री टी इक्वल टू थ्री पे ये क्या है आपके पास वन एंड t not equals to 3 that is 0 मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप यही तो रिप्रेजेंट करोगे ना कि सर दिस इज t equals to 0 कहां पे है t equals to 0 1 2 3 ओके माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ओके तो आप बोलोगे कि सर t equals to 3 पे ये 1 है तो आप बोलोगे t equals to 3 पे दिस इज 1 ओके ये नहीं बोल सकते कि t इक्वल टू जीरो पे ही आप बोलोगे कि दिस इज वन है इससे आगे और इससे पहले कुछ नहीं है बस ये है कि जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन पे उसका एरिया वन है। समझ में आया मैं बोलना चाहता हूं कि ये ना तो इससे पहले इसका कोई वैल्यू होगा ना इसके बाद इसका कोई वैल्यू होगा ओनली जो वैल्यू होगा तो यहां पे अगर इसके थ्रू हम बात करेंगे तो अगर ये इस रीजन के अंदर है तो आप बोल सकते हो कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया है वो वन है। आप इसी ग्राफ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि माइनस जीरो माइनस टू जीरो प्लस डेल्टा ऑफ टी डी ऑफ टी इक्वल टू वन ये इसका डेफिनेशन है याद रखो ये इसका डेफिनेशन है दिस इज डेफिनेशन। अब जो ये लिख रहे हो ना आप ये जो आपने वन लिखा है ना ये इस रीजन के अंदर होना चाहिए जो ये रीजन है ना इसको बोलते हो आप विंडो इसको क्या बोलते हो आप विंडो
इसको भी क्या बोलते हो आप, विंडो। इस विंडो के अंदर आपका इंपल्स होना चाहिए, तभी आपके पास उसका वैल्यू वन होगा। अगर इस विंडो के अंदर उसका वैल्यू नहीं है तो उसका वैल्यू वन कभी हो ही नहीं सकता, उसका वैल्यू होगा जीरो। अब देखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में आप इंपल्स कहीं पर भी दिखाओ तो आपके पास उसका वैल्यू वन ही होगा ना, क्योंकि इस रीजन के अंदर वो डिफाइन है, इस रीजन के अंदर उसका वैल्यू वन है। अगर मैं बात करता कि आपके पास ये सिग्नल है, आपके पास ये सिग्नल है, ओके, और यहां पे दे रखा है माइनस टू टू माइनस थ्री, ओके, डेल्टा ऑफ टी, डेल्टा, अभी चलो दो मिनट रुको, ओके, डेल्टा ऑफ टी जो भी आपके पास यहां पे फंक्शन गिवन है डेल्टा का, देखो यहां पे रुको, माइनस थ्री टू माइनस टू टू माइनस थ्री एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी प्लस फाइव, टी प्लस फाइव, ओके, ऐसे दे रखा है। तो टी इक्वल टू माइनस फाइव पे वो फंक्शन का वैल्यू वन है, ओके, टी इक्वल टू माइनस फाइव पे यहां पे अगर कुछ भी होगा तो टी इक्वल टू माइनस फाइव यहां पे पुट करोगे। अभी इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई नहीं है, ओके, तो यहां पे देखो कि यहां पे आप अगर टी इक्वल टू माइनस फाइव पुट करते हो तो यहां पे विंडो देखो, विंडो कहां से कहां तक है, आप बोलोगे सर माइनस टू से माइनस थ्री के बीच में आपका विंडो है, माइनस टू से माइनस थ्री के बीच में इसका विंडो है, इसके बीच में ये इंपल्स होगा। लेकिन जो ये आपके पास इंपल्स है ये टी इक्वल टू माइनस फाइव में है और यहां पर इधर ही आपके पास कुछ है, इधर ही आपका इंपल्स है, ओके, तो इस विंडो के अंदर आपका इंपल्स नहीं है तो आप बोलोगे कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, जीरो। तो इंपल्स आपका विंडो के अंदर होना जरूरी है। अभी अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया ना तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वेट करो, ओके, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, अभी मैं एक के बाद एक प्रॉपर्टी बताऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसको समझने की कोशिश करो कि इस विंडो के अंदर आपका इंपल्स होना चाहिए तभी वो वन हो सकता है, अगर इस विंडोज के अंदर वो इंपल्स नहीं है तो वन कभी भी नहीं होगा, जीरो होगा, ओके। अब देखो ये डेफिनेशन समझ में आए सभी लोगों को, ये डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई। अब देखो प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखो, कम से कम प्रॉपर्टी याद रखो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी याद रखोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कम प्रॉपर्टी याद रखोगे तो उससे क्या होगा कि उसका आपको बेटर यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, फिर तो नहीं तो आपको ज्यादा प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। देखो डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी क्या नाम है, प्रॉपर्टी, अब देखो फर्स्ट है आपके पास, सीटीएस की बात कर रहा हूं ओनली, ओके, कि डेल्टा ऑफ टी इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ माइनस टी, डेल्टा ऑफ टी इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ माइनस टी, ये इसके इक्वल होता है, इसलिए हम इसको इवन सिग्नल बोलते हैं। अभी इवन सिग्नल नहीं पढ़ा है, लेकिन इवन सिग्नल बोलूंगा, पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूंगा कि दिस इज अ इवन सिग्नल, क्योंकि इवन सिग्नल के लिए ये प्रॉपर्टी होती है डेल्टा ऑफ टी इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ माइनस टी, तो ये इक्वल होता है, तो इसलिए आप डेल्टा फंक्शन को क्या बोलते हो, इवन सिग्नल बोलते हो, ठीक है। अभी इवन एंड ओड सिग्नल अभी हमने पढ़ाया नहीं है इसलिए हम बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो कि डेल्टा ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ऑफ माइनस ऑफ टी। सेकेंड अगर मैं बात करूं सेकेंड प्रॉपर्टी की, कि डेल्टा ऑफ ए टी, इसका मतलब क्या है, ये स्केल हो रहा है, क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है, तो आप बोलोगे दिस इज वन अपॉन ए, दिस इज डेल्टा ऑफ टी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, स्केलिंग फैक्टर को डिनोमिनेटर में आप यहां पे इसका डिटरमिनेंट कर दोगे एंड यहां पे डेल्टा ऑफ टी लिख दोगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर से की थर्ड प्रॉपर्टी में बात करूं, यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी में बात करूं, डेल्टा ऑफ ए टी प्लस बी, इसको कैसे लिखोगे, ए को सबसे पहले स्केलिंग फैक्टर को कॉमन लो, सबसे पहले क्या लोगे, स्केलिंग फैक्टर को आप कॉमन लिया तो टी प्लस बी अपॉन ए, ओके। इसके बाद आपके पास क्या आया, आप बोलोगे कि सर इसके बाद ये जो स्केल हो रहा है इसको आप क्या कर दोगे, दिस इज डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ टी प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। एक कंडीशन में तो आपको इन तीनों को याद रखना है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, इसी से आप बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लोगे, एक्स टी डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नोट, डेल्टा ऑफ टी टी माइनस टी नोट,
ओके, मतलब यहां पे देखो, यहां पे t इक्वल टू क्या है, t नोट। इसको कहां पे पुट कर दोगे, यहां पे t इक्वल टू t नोट कहां पे पुट कर दोगे, इस x फंक्शन के अंदर। अगर इस फंक्शन के अंदर मैं इसको पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा वैल्यू x t नोट, समझ में आया। ओके, फिफ्थ में अगर मैं बात करूं, फिफ्थ में अगर मैं बात करूं कि आप यहां पे x ऑफ t, एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, ओके, x ऑफ t डेल्टा ऑफ t माइनस 3 ले लो, ओके, तो आप क्या करोगे, इसको t इक्वल टू कितना है 3, तो ये कहां पे पुट कर दोगे, यहां पे। तो आप बोल दोगे कि सर दिस इज 3, x ऑफ 3, दिस इज x ऑफ 3 डेल्टा ऑफ t माइनस 3, समझ में आया। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। एक प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं आपको, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, t1 से लेके t2 तक x ऑफ t डेल्टा ऑफ t माइनस t नोट। ओके, इसके दो वैल्यू बनेगी आपके पास। दो वैल्यू कौन सी, आप सबसे पहले क्या करते हो, यहां पे करते हो आप t इक्वल टू t नोट कहां पे पुट करोगे, यहां पे। ओके, अब जब t इक्वल टू t नोट का वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन कैसा आएगा, आपके पास जो फंक्शन आएगा x t नोट t1 से लेके t2 तक डेल्टा ऑफ t माइनस t नोट, ये होगा। ओके, इधर लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, इसको यही लिखोगे। अब देखो यहां पे अगर ये यूनिट स्टेप यूनिट इंपल्स फंक्शन आपका अगर इस विंडो के अंदर डिफाइन है तो ये इसका वैल्यू 1 होगा, अगर इस विंडो के अंदर नहीं है तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो मतलब ये विंडो है आपके पास, ये आपके पास अदर विंडो, इसको विंडो बोलते हो आप। ओके, इफ नॉट एग्जिस्ट इन दिस विंडो देन क्या लिखोगे आप, वैल्यू 0 0। मतलब आपके पास टी था वो इस विंडो के अंदर नहीं था, एक तो हो गया आपके पास यहां पे t1 t2, ओके, यहां पे t1 greater than t2, ओके, मतलब आपके पास जो ये यूनिट इंपल्स था वो आपका इस विंडो के अंदर नहीं था तो इसका वैल्यू 0 किया, अगर इस विंडो के अंदर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हम डिफाइन करेंगे और इसका वैल्यू 1 होगा, ओनली इसका वैल्यू 1 होगा। फिर वो इससे मल्टीप्लाई होकर जो भी आपने फंक्शन में वैल्यू पुट किया वो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। सिर्फ यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है सीटीएस के अंदर, इसी प्रॉपर्टी से आप कितनी भी प्रॉपर्टी बना सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हो गया, ये फाइव प्रॉपर्टी पे आपका डेल्टा फंक्शन डिपेंडेंट है। अगर ये फाइव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती है तो आप डेल्टा फंक्शन के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। अब देखो कि अगर मैं इधर वाले को रफ कर दूं, समझ में आया कि आपको कैसे सोल्व करना है, आपको ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है आपको, अभी एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा। अगर इस विंडो के अंदर है, अगर ये आपका सिग्नल इस विंडो के अंदर है तो आपके पास इसका वैल्यू 1 होगा, अगर नहीं है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ध्यान रखना। ओके, अब देखो कि अगर मैं ये 6 प्रॉपर्टी याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है आपको, 6 या 5 ही है। ओके, ये तो एक एग्जांपल है। अब देखो कि अगर मैं बात करूं यहां पे, इससे कितने भी प्रॉपर्टी बना सकते हो, टीचर्स लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी बताते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रॉपर्टी बना देता हूं, चलो 7, ओके, डेल्टा ऑफ ए टी माइनस बी,
ये भी एक प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली ना, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको यही याद रखना है, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। अब देखो कैसे, सबसे पहले स्केलिंग फैक्टर को आप बाहर निकालो, ए निकाला टी माइनस बी अपॉन ए, ओके। अब नेक्स्ट में आगे क्या लिखोगे, दिस इज वन अपॉन ए, ओके, डेल्टा ऑफ टी माइनस बी अपॉन ए, ओके। अगर मैं आपसे बात करूं, ये ऐसे बना दोगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डेल्टा ऑफ माइनस ए टी प्लस बी, इसको कैसे लिखोगे, माइनस ए, ओके, तो माइनस ए को सबसे पहले कॉमन लो, ओके, माइनस डेल्टा ऑफ, डेल्टा ऑफ माइनस ए, माइनस ए कॉमन आया तो आप बोलोगे सर दिस इज टी माइनस बी अपॉन ए, ओके, दिस इज वन अपॉन माइनस ए डेल्टा ऑफ टी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, समझ में आया, टी माइनस पी अपॉन ए माइनस कॉमन लिया, ओके। नेक्स्ट आप कोई सा भी एग्जांपल बना सकते हो, जैसे कि नाइन्थ एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी यही है, इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करके बाकी के क्वेश्चंस बना रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट बोल सकते हो आप दिस इज माइनस ए टी माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज सबसे पहले आप माइनस ए को कॉमन लो, डेल्टा ऑफ माइनस ए एंड टी प्लस बी इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस ए, ओके, देन यहाँ बी अपॉन ए हो जाएगा एंड डेल्टा ऑफ टी प्लस बी अपॉन ए, ओके, इतना समझ में आया। ये देखो इससे ही सारी प्रॉपर्टी मैंने बना ली है, सिर्फ इन पांच कंडीशन, पांच प्रॉपर्टी से ही सारी प्रॉपर्टी मैंने बना ली है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, प्लस बी अपॉन ए, तो आप ये प्रॉपर्टी बना सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं इनसे, तो मैंने वो प्रॉपर्टी बना ली, अब देखो इससे भी मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकता हूं, इससे भी मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकता हूं, कैसे देखो, उसको टेन प्रॉपर्टी बोल दो आप, प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही दिया मैंने। अब देखो यहां पे आपके पास एक्स ऑफ टी है, ओके, अब यहां पे क्या करता हूं मैं, जैसे कि बोल देता हूं डेल्टा ऑफ ए टी ए टी, ओके, ए टी प्लस बी, ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां पे करोगे आप सबसे पहले ए कॉमन ले लोगे, तो डेल्टा ऑफ ए टी प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। अब देखो आप यहां पे देखो, आपने ये कर दिया, अब जो यहां पे पुट करोगे आप इस टी की जगह पे, तो टी का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस बी अपॉन ए, ओके, और ये स्केलिंग फैक्टर कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, वन अपॉन स्केलिंग फैक्टर, ओके, और यहां पे हो जाएगा एक्स माइनस बी अपॉन ए, और यहां पे कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ, डेल्टा ऑफ, डेल्टा ऑफ टी प्लस बी अपॉन ए, डेल्टा ऑफ टी प्लस बी अपॉन ए, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए, कैसे आपको यूज करना है। अगर मैं इलेवंथ भी इसी से बना सकता हूं, अगर इलेवंथ में मैं बनाना चाहूं तो इलेवंथ में बना सकते हो कि x ऑफ t, इसी में प्लस माइनस चेंज करता रहूंगा, इसी में देखो x ऑफ t डेल्टा ऑफ ए टी माइनस बी, ए टी माइनस बी, तो यहां पे देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो क्या करोगे, a को कॉमन ले लोगे, तो आप बोलोगे सर a t माइनस बी अपॉन ए, यहां पे पुट कर दो t इक्वल टू बी अपॉन ए, ओके, इसमें पुट किया तो आपके पास आया वन अपॉन ए डेल्टा ऑफ, डेल्टा ऑफ टी माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से वन अपॉन ए और एक्स ऑफ बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, देखो वन अपॉन ए एक्स अपॉन बी अपॉन ए एंड डेल्टा टी माइनस बी अपॉन ए। तो आप इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी यूज करना है कि प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है डेल्टा फंक्शन में, ओके, सिर्फ आपको ये चार प्रॉपर्टी, चार ये और एक इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन में उस विंडो के अंदर होना चाहिए, अगर उस विंडो के अंदर है आपका इंपल्स तो वो डिफाइन होगा, अगर डिफाइन तो मतलब नहीं, उसका वैल्यू वन होगा और उससे पहले तो उसका वैल्यू जीरो होगा, ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि प्रॉपर्टी को आपको कैसे यूज करना है। तो ये तो बात होगी हमारे पास सीटीएस की, ओके, अब बात करते हैं हम डीटीएस की, अब देखो बात करेंगे हम डीटीएस की,
देखो ये सिग्नल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट डीटीएस की, यूनिट इंपल्स ही चल रहा है आपका, यूनिट इंपल्स में आपका डीटीएस, ओके इसको जो आप डिनोटेट करोगे उसे डेल्टा ऑफ एन से रिप्रेजेंट करोगे, ओके इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो इसका डेफिनेशन है आपके पास डेल्टा ऑफ एन इक्वल्स टू एन, ओके एट एन इक्वल्स टू फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, अगर एन नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट इज जीरो। समझ में आया, इतनी सारी कंडीशंस आप सब लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या आपसे बोलना चाहता हूं। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पे नेक्स्ट कंडीशन डेल्टा ऑफ एन माइनस के की, तो आप बोलोगे कि सर दिस इज एन इक्वल्स टू के, देन आप बोल दोगे दिस इज वन एंड एन नॉट इक्वल्स टू के दैट इज जीरो, ओके सेम प्रॉपर्टी आपको यहां पे यूज करना है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं यहां पे, प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी में देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे जो स्केलिंग वाला था उसको आप डिवाइडेड कर रहे थे और वहां पे उसका डिटरमिनेंट कर रहे थे, बट यहां पे डिवाइडेड नहीं करना, यही आपको याद रखना है। देखो जैसे कि आपके पास डेल्टा ऑफ एन है, ओके तो ये डेल्टा ऑफ माइनस एन, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं डेल्टा ऑफ एन, तो आप अगर वहां पे बात किया था हमने डेल्टा ऑफ ए टी की, तो आपने क्या लिखा था वन अपॉन ए डेल्टा ऑफ टी लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था ना, लेकिन यही आपको याद रखना है। यहां पे ये नहीं करना, यहां पे इस ए को है ना यहां से रिमूव कर देना है, ओके रिमूव कर देना है और डायरेक्टली कैसे लिखना है डेल्टा ऑफ एन, ओके। थर्ड की अगर मैं बात करूं यहां पे, थर्ड में देखो डेल्टा ऑफ ए एन प्लस बी, ओके तो आप कैसे लिखोगे दिस इज, आप सबसे पहले ए को कॉमन ले लोगे और एन प्लस बी अपॉन ए, ओके अब देखो अब यहां पे इसको रिमूव कर दोगे, क्या कर दोगे ए को रिमूव कर दोगे, डायरेक्टली क्या लिखोगे डेल्टा ऑफ एन प्लस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है कि आपको इसको स्केल नहीं करना है, समझ में आया कि आपको इसको स्केल नहीं करना है, आपका जो यूनिट इंपल्स होगा उसमें स्केल नहीं करना है ए को। ऐसे कितने भी आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, सारे की सारे प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, ओके एक और बता देता हूं जैसे कि 4 हो गया आपके पास डेल्टा ऑफ माइनस ए एन प्लस बी, ओके तो इसको क्या लिखोगे यहां से एक सबसे पहले माइनस ए कॉमन ले लोगे, तो माइनस ए कॉमन लिया तो एन माइनस बी अपॉन ए, ओके अब ये क्या हो जाएगा आपके पास रिमूव हो जाएगा, डायरेक्टली क्या बचेगा डेल्टा ऑफ एन माइनस बी अपॉन ए, ओके तो ये इंपल्स की प्रॉपर्टी है, आपको इसको यूज करना है, कैसे आपको यूटिलाइज करना है कि वो 4 से 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी का तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि बाकी की प्रॉपर्टी आप याद रखो, क्योंकि बाकी तो आपको बस यही आपको उसको यूज करना चाहिए कि इसका यूज मैं कैसे करूं। अब देखो कि अगर मैं 6 की बात करूं, जैसे कि आपके पास एक्स ऑफ एन है और डेल्टा ऑफ एन माइनस एन नॉट है, ओके तो इसको कैसे लिख सकते हो यहां पे एन इक्व टू एन नॉट, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एन नॉट एंड डेल्टा ऑफ एन माइनस एन नॉट, ओके ये तो हो गया 6। अब मैं इधर वाला रफ कर देता हूं, देखो ये तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे 7 की, तो 7 देखो प्रॉपर्टी कितनी बना सकते हो, लेकिन कम से कम प्रॉपर्टी बनाओ, सिर्फ उसके कंसेप्ट आप याद रखो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे कि एक्स ऑफ एन ओके एंड डेल्टा ऑफ ए एन प्लस बी, ओके तो यहां पे देखो कि आप सबसे पहले तो ए को कॉमन लोगे ना, इसको ऐसे करोगे ना ए को कॉमन लोगे एन प्लस बी अपॉन ए, तो एन इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस बी अपॉन ए, ओके लेकिन ये आपके पास क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा आप बोलोगे सर एक्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए एंड डेल्टा ऑफ एन प्लस बी अपॉन ए, ओके तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। नेक्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन का मैंने बताया था कि इस विंडो के अंदर होना चाहिए, अगर इस विंडो के अंदर है तो वो डिफाइन है, अगर इस विंडो के अंदर नहीं है तो उसका वैल्यू 0, डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन की बात अलग है, डिफाइन तो होगा ही सही वो, लेकिन उसके वैल्यू उससे पहले उसका वैल्यू 0 होगा, ओके डिफाइन अनडिफाइन करना यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि उससे पहले उसका वैल्यू 0 होगा, ओके एंड देखो
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे 8 यहां पे वहां पे जो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट किया था हमने एक इंटीग्रेशन सिंबल दिया था यहां पे देखो उसी इंटीग्रेशन को मैं एक समेशन पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा डीटीएस के अंदर जैसे कि यहां पे लिख देता हूं एन इक्वल टू एन वन और एन इक्वल टू एन टू ओके और यहां पे आपके पास दिस इज डेल्टा ऑफ एन ओके डेल्टा ऑफ एन अब देखो एन वन से एन टू के बीच में है आपका इंपल्स जो आपके पास एरिया था दिस इज वन ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 9 तो यहां पे लिख सकते हो दिस इज एन इक्वल टू एन वन से एन इक्वल टू एन टू से और दिस इज एक्स ऑफ एन और दिस इज डेल्टा ऑफ एन माइनस एन नॉट अब देखो यहां पे क्या करोगे अगर ये यहां पे क्या पुट करोगे एन इक्वल टू एन नॉट अगर ये इस विंडो के अंदर है तभी इसका वैल्यू क्या होगा इसका ओनली इसका वैल्यू इस विंडो के अंदर है तभी इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा अगर इस विंडो के अंदर नहीं है एन वन और एन टू के विंडो के अंदर नहीं है तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा ओके 0 हो जाएगा पूरे का वैल्यू तो एक तो वैल्यू कौन सी पॉसिबल है एक तो वैल्यू आपके पास 0 पॉसिबल है इसकी ओनली इसी की एक तो 0 पॉसिबल है और एक आपके पास इसके पूरे की वैल्यू 1 पॉसिबल है समझ में आया विंडो के अंदर हुआ तो 1 पॉसिबल है ओनली इसकी इसकी वन है तो फिर इसकी भी वैल्यू आपके पास फंक्शन जो भी होगा फंक्शन में वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल लोगे अभी क्वेश्चन से सारी चीज समझ में आ जाएगी अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो पूरा का पूरा वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगा तो मतलब यहां पे ही आपके पास आंसर आएगा जो भी आना होगा आंसर ओके बस इसकी बात हो रही है ओके तो ये प्रॉपर्टी सभी लोगों को समझ में आ गई अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे इंपल्स के बाद ये सेशन हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि जो बाकी का यूनिट स्टेप है वो नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये लेक्चर आपका बहुत बड़ा बन चुका है अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है जैसे कि मैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल बात करता हूं देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करो क्वेश्चन 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओके ई की पावर माइनस एटी स्क्वायर डेल्टा ऑफ टी माइनस 5 ओके एंड क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास 0 to 3 आई इक्वल टू विंडो है आपके पास 0 to 3 ओके एंड डेल्टा ऑफ टी एंड साइन ऑफ 5π t साइन 5π t डी ऑफ टी ओके ये दो क्वेश्चन है अब देखो दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओके एंड यहां पे है डेल्टा ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा ऑफ टी डी टी ओके अब देखो नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 इसको बाद में लिखते हैं सबसे पहले इन तीन को सोल्व कर लेते हैं देखो सबसे पहले कंडीशन आपके पास फंक्शन है दिस इज आई इक्वल्स टू ओके दिस इज सॉल्यूशन प्रॉपर्टी यूज करना है टी इक्वल्स टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो यहां पे क्या लिखोगे टी इक्वल्स टू फाइव है इसका वैल्यू 1 समझ में आया टी इक्वल्स टू 5 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और विंडो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ओके तो आप यहाँ पे अगर इसका रिप्रेजेंट करना चाहोगे ये रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा फंक्शन ओके तो आप बोलोगे टी इक्वल्स टू फाइव पे इसका वैल्यू कितना है 1 ओके और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस विंडो के बीच में है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विंडो के बीच में है आपके पास इंपल्स ओके तो इसीलिए आपके पास इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और टी इक्वल्स टू 5 कहाँ पे पुट करना है इसमें तो आपके पास आई का वैल्यू कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस ए इंटू 5 का स्क्वायर मतलब आई इक्वल टू ई की पावर माइनस 25 ए ओके समझ में आया विंडो के अंदर होना जरूरी है अगर विंडो के अंदर नहीं हुआ ना ये इंपल्स तो ये पूरे का वैल्यू 0 कर देगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले विंडो देख लो कि विंडो कहां तक है 0 से 3 तक आपके पास विंडो है ओके 0 से 3 तक आपके पास विंडो है तो यहां पे क्या पुट करोगे आप टी इक्वल टू जीरो यहां पे पुट करोगे ओके अब देखो
टी इक्वल टू जीरो आपके पास विंडो है और टी इक्वल टू जीरो पे आपके पास ये सिग्नल डिफाइन है, यहां पे सिग्नल डिफाइन है आपका डेल्टा ऑफ टी आपका वन है, मतलब जीरो से थ्री के बीच में भी आपका सिग्नल डेल्टा ऑफ टी यहां पे प्रेजेंट है। ओके, डेल्टा ऑफ टी आपके पास प्रेजेंट है तो टी इक्वल टू जीरो यहां पे पुट करोगे तो मतलब ये रेंज इसके अंदर, इस विंडो के अंदर आपके पास डेल्टा फंक्शन है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन जीरो पुट कर दो इसके अंदर तो फाइव पाई इंटू जीरो मतलब साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो आंसर। ओके, वैल्यू पुट करना था फिर भी जीरो तो आ सकता है ना वैल्यू। ओके, लेकिन वहां पे हम पॉसिबल था कि यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास डेल्टा ऑफ टी का वैल्यू जीरो नहीं था, क्योंकि अगर इधर आपके पास विंडो होता ना तो इधर इसका वैल्यू जीरो हो जाता, बट वो इसके अंदर डिफाइन था। ओके, ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपका डेल्टा फंक्शन आपका डिफाइन है, यहाँ पे पुट कर दो टी इक्वल टू क्या पुट करोगे जीरो, टी इक्वल टू क्या पुट करोगे जीरो, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में आपका डेल्टा फंक्शन कहीं पे भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी क्या हो सकता है टी इक्वल टू जीरो पे ही आपका इसका वैल्यू वन है, जीरो पे वन है। ओके, तो फंक्शन आपका डिफाइन है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप आई इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो ई की पावर माइनस जीरो हो गया तो वन अपॉन ई की पावर जीरो इक्वल टू वन। समझ में आया इतना, सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से आपको डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सोल्व कर लेते हैं फिर सेशन क्लोज करते हैं आज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास -π/4 to -π/4 to π/4। ओके, आपके पास है साइन टी माइनस पाई बाई थ्री एंड डेल्टा टू टी माइनस पाई। ओके, एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास e की पावर 3n डेल्टा ऑफ n माइनस 3। ओके, और यहाँ पे समेशन है, ये विंडो है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस इज i इक्वल टू। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास जो गिवन है वह है i इक्वल टू समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ n+1 n4 की पावर n। ओके, यही आपके पास। अब देखो सिंपल से क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब देखो डेल्टा फंक्शन वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, दिस इज स्केलिंग फैक्टर। ओके, तो स्केलिंग है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले तो आप करोगे कि सर i इक्वल टू -π/4 to π/4 साइन टी माइनस पाई बाई थ्री। ओके, यहाँ से आप क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो तो 2t-π/2। ओके, पाई बाई टू कर दिया। अब देखो ये तो स्केल हो जाएगा ना, तो ये आप स्केल कर दोगे तो आप स्केल करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ओके, और ये और यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, t इक्वल टू पाई बाई टू पुट कर दो तो आपके पास हो जाएगा साइन π/2 -π/3। ओके, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/4 to π/4। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा ऑफ t माइनस π/2। ओके, अब देखो t माइनस π/2, देखो स्केलिंग तो हट गया ना, यहां से डिवाइडेड कर दिया हमने। ओके, लेकिन उसके अंदर जो आपके पास dTs वाला होता है उसके अंदर आप डिवाइडेड नहीं करते हो, याद रखना, वो डायरेक्टली हट जाता है। अब देखो ये विंडो देखना है, विंडो देखो सबसे पहले दिस विंडो, ये विंडो कहां से कहां तक है, आप बोलोगे कि सर -π/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये होगा -π/4। ओके, π/4 45 डिग्री मतलब यहाँ पे π/4, इसके बीच में इम्पल्स है। अब देखो आपके पास जो इम्पल्स का वैल्यू है t इक्वल टू π/2 पे, π/2 मतलब 90 डिग्री, π
पाई बाई टू, मतलब यहां पे पाई बाई टू है, यहां पे आपके पास इंपल्स प्रेजेंट है, डेल्टा ऑफ टी यहां पे प्रेजेंट है। अब देखो कि आपके पास क्या इंपल्स इस विंडो के अंदर है, इस विंडो के अंदर आपके पास इंपल्स है। आप बोलोगे कि नहीं सर, इस विंडो के अंदर आपका इंपल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर इस विंडो के अंदर आपका इंपल्स प्रेजेंट नहीं है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो ना। इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। और जीरो मल्टीप्लाई ये करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका जीरो। समझ में आया सभी लोगों को कि फाइनली वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो समझ में आया किस तरीके से आपको सोल्व करना है। विंडो जरूर देखना है, इस विंडो का बहुत बड़ा रोल है। अगर विंडो आपने नहीं देखी है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इंपल्स होगा वो उस विंडो के अंदर होना चाहिए। अगर विंडो के अंदर नहीं हुआ तो आंसर आपका रॉन्ग होगा। ओके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, आपके पास डेल्टा ऑफ एन माइनस थ्री। ओके, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन ना यार। विंडो आपके पास कहां से कहां तक है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी के बीच में आपके पास विंडो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एन इक्वल टू थ्री पे आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है डेल्टा, तो एन इक्वल टू थ्री यहां पे होगा, थ्री पे आपके पास इंपल्स है। ओके, ये डेल्टा ऑफ एन माइनस थ्री का इंपल्स है आपके पास, मतलब डिफाइन है। विंडो आपके पास इतनी है, कहीं पे भी आपके पास इंपल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एन इक्वल्स टू थ्री पे डिफाइन है वो। ओके, डिफाइन है तो आप एन इक्वल्स टू थ्री कहां पे पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो आई इक्वल्स टू ई की पावर थ्री इंटू थ्री, मतलब ई की पावर नाइन आपका पास आंसर होगा। ओके, इतना समझ में आया, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको डील करना है। अब मैं आपको बोल देता हूं कि जो लास्ट क्वेश्चन जो बचा है यह आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में इसका रिप्लाई करना है कितना आंसर आया। ओके, फिर आगे मैं बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में जरूर बताना है। और आपको ये सारी चीजें बताना है कि आपको समझ में आ रही है चीजें या समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो यूनिट, स्टेप, रैंप, सारे सिग्नल्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में बात किया, सिग्नल एडिशन, सिग्नल मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात किया। तो यहाँ पे आपके लिए यहीं पे आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंपल्स जो फंक्शन है इसका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना 4 to 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अगर 4 to 5 प्रॉपर्टी आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।